अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। अभी हम बात कर रहे थे अपने एक नुमाइंदे से कि जिन्होंने हमें सिंध के हालात के बारे में बताया है। आइए ज़रा उन्हीं किसे अल्फाज से सुनते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ पे किस तरह के हिफाजती इकदाम करोना वायरस के हवाले से किए गए हैं या नहीं किए गए। चलें आए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो इस टाइम कहाँ पर हैं, किस सिचुएशन में हैं, उनसे पता करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, ग्लोबल टीवी प्रो को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह इकरम, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। अच्छा, मुझे सर आप बता सकते हैं कि कराची के हालात इस टाइम पे क्या हैं, आप किस जगह पे हैं, मतलब वहाँ के हालात किस तरह के? यार इस टाइम असल में मैंने जाना था पंजाब में ना, तो छुट्टी की कंपनी की तरफ से नहीं मिल रही थी, लेकिन खैर हो गया तो अभी निकले हमें, कुछ 4 बजे की टिकट मिली है ना। जी जी, तो यहाँ पे हम पहुंचे, हम ये सोच रहे थे कि आज वो लास्ट डे है तो शायद हो सकता है कि रश वगैरह भी कम हो, लेकिन यहाँ पे अभी जो हमने सिचुएशन देखी है ना जी जी, वो ये है कि लाइने जो है ना, जो जहाँ से इंटर होता है ना, ये कैंट कराची कैंट स्टेशन जो है ना, मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ से एंट्रेंस है ना वहाँ से लेने लगी हुई है मनु की। और चले वहाँ पे कोई हिफाजती इकदाम है, मतलब जैसे वो बता रहे थे कि टीम्स वगैरह अरेंज की हुई है डॉक्टर्स की? नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, किसी कोई डॉक्टर की टीम नजर नहीं आ रही। हाँ अलबत् एक बंदा जहाँ आप वो जो बेर बने हुए ना वहाँ इंटर होते हैं ना, तो एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ, सिर्फ वो टेम्परेचर चेक कर रहा है, किसी किस्म का कोई स्कैनिंग सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। और रश इतना है कि बेअंतहा रश है। तो वहाँ पे मतलब किसी किस्म का कोई भी हुकूमत की तरफ से हिफाजती इकदाम नहीं है? नहीं नहीं, किसी किस्म का कोई नहीं, लोग बगैर मास्क के, अभी मैं अगर आपको तस्वीरें मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, बगैर जो है वो मास्क के लोग यहाँ घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फैमिलीज हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नीचे बैठे हुए ऐसे, और मतलब बैठे हुए भी इस तरीके से हैं कि गैदरिंग में, मतलब मुझे जगह कहीं नहीं मिली, वो सारी चीजें मैंने देखी, तो मैं साइड पे हट के चला गया हूँ, मैं साइड वैसे में बैठा हूँ, कहीं दूर ऐसा समझ नहीं, 15 मिनट लगेंगे दोबारा वहाँ आने के लिए। ठीक है, तो सर आप हमें बता सकते हैं इस टाइम पे क्या सिचुएशन है वहाँ पे, मौसम की क्या सूरत हाल है? मौसम तो फिलहाल ठीक है, मौसम का कोई वो नहीं है, और तो हवा भी सही चल रही है, क्योंकि मैं साइड से बाहर निकला हूँ तो हवा भी सही चल रही है ना, मतलब सही मौसम है ना, ज्यादा गर्मी है ना जो है वो, मतलब कि वहाँ पे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से गंभीर है, कोरोना के जो खिलाफ जो एक इनके इकदाम थे ना, वो जैसे हम सुन रहे थे कि यार सिंध के जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, तो वो मुझे देखने को नहीं मिले यहाँ पे ना। ठीक है, मीडिया पे तो ये कह रहे थे कि हमने ये किया है वो किया है, तो मतलब उस तरह का कुछ भी नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा होता। मैं वही वो कह रहा हूँ, सिर्फ एक बंदा मिला है जो बे है ना, वहाँ जहाँ खड़ी होती है ट्रेन, उस तरफ जब एंट्री होती है ना, ठीक है, टिकट के बाद, तो वहाँ एक बंदा जो सिर्फ टेम्परेचर ले रहा है बस, उससे पहले भी बहुत बहुत रश है, और लाइने कोई छोटी नहीं है, इतनी लाइने हमने पहले कभी नहीं देखी, बहुत बड़ी लाइने लगी है। और उसके अलावा जो ट्रेन वगैरह है उनकी टाइमिंग में कोई स्केड्यूल में कोई? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेन की टाइमिंग सही चल रही है, वो उसमें कोई फिलहाल वो लग रहा, कोई मैक्सिमम कोई लेट कोई ट्रेन है भी 18 मिनट है। तो क्या ट्रेन में क्या सिचुएशन है रश वगैरह की, वहाँ पे भी हुई ट्रेन के अंदर कोई हिफाजती इकदाम? क्योंकि उन्होंने कहा था ना जो ट्रेन के अंदर भी हम जो है वो स्प्रे वगैरह करेंगे, सिर्फ ट्रेन चलाएंगे, बसें नहीं चलाएंगे, ये भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, समझ रहे ना, तो ट्रेन की जो हालत है वो वैसी जो होती है वैसी ही है, समझ रहे हैं, और उसमें किसी किस्म की कोई ऐसे हम नहीं यहाँ बंदे देख रहे हैं जो कोई स्प्रे कर रहे हों या कोई और हिफाजती इकदाम कर रहे हों या ट्रेन को धोया जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। क्योंकि रात को तो उन्होंने यही बताया था कि ऐलान किया था कि स्टेशन पे जो उनसे वो टीम्स हम भेजेंगे कि जो हिफाजती इकदाम करवाएंगी, मतलब आपके कहने के मुताबिक वहाँ कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई ट्रेन नहीं है यहाँ पे, मैं इस टाइम कराची कैंट पे खड़ा हूँ इस टाइम, मतलब कि ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला करम करे हमारे ऊपर, अल्लाह ताला करम करे हमारे ऊपर, अल्लाह के साथ ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और हमारे तरफ से किसी किस्म की कोई वो इंतजाम नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो आप हमें कुछ अपडेट कर सकते हैं मजीद इस बारे में जी, हमें आप कोरोना के बारे में कोई और मजीद अपडेट दे सकते हैं वहाँ की कराची के हवाले से, क्योंकि हमारे पास तो मुतअद्दिद वीडियोस आई हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं मार रहे हैं, आवाज काट रहे हैं। जी सर, मैं कह रहा था कि मीडिया पे तो उन्होंने काफी सारी चीजें दिखाई हैं कि हम जो उनसे
उधर आर्मी वाले आए हुए हैं, तो वो इकदाम जी जी मैं तो वही कह रहा हूँ कि मीडिया पे हमने यही देखा था कि यार बहुत अच्छे इकदाम आते हैं ना, तो खैर आज हम निकले हैं तो देखे, हम खुद नहीं निकल रहे थे, हमने हम जो ना वो ऐसे समझे कि अपने जो क्वार्टर है वहीं बैठे हुए थे, तो आज निकले हैं तो आज देखा है ये सारी चीजें ना। बस अल्लाह अल्लाह करम करे, बुजुर्ग है बच्चे हैं जो भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है उनको, कोई यहाँ बता नहीं रहा उनको कि यार आप जिस तरीके से जो है ना आप अपने वो हिफाजत इकदाम आप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि सोशल मीडिया पे चल गया, जो पढ़ा लिखा बंदा उसने देख लिया, जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं या जवान भी हैं, ऐसे जान पड़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनमें अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है, जो ऐसे बिल्कुल जरूर है, जरूर है। हाँ जी, टीम बना के भेजी जाए जहाँ पे वो लोगों को अवेयरनेस दें कि यार इतना नहीं इकदाम करें। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, मतलब इस तरह का वहाँ पे कोई भी नहीं है, प्रॉपरली कुछ भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ जैसे वो पहले बातें होती हैं, ये बस एक पॉलिटिक्स ही है बस बस ऐसे। ठीक है, तो वहाँ के जो बड़े हैं मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं आपकी मशीन आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आती ना आपको। मैं कह रहा हूँ कोरोना के वायरस के मुतालिक पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिसर ने बात से बातें सुनी है, वो उनको उनके बारे में भी क्या रद्द अमल है, क्योंकि आपके तरफ से तस्वीरें मिली हैं कि रोड जो लोग जो है वो पटरियों पर भी बैठे हुए हैं, ठीक है, और पुल के ऊपर भी बैठे हुए हैं, सिर्फ शेड रह गए हैं उस पर नहीं बैठे। ऐसे ऐसे है बिल्कुल, आपने तस्वीरें देखे नहीं मिला वो सेंड किए हैं ना। जी जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का, इन्फॉर्मेशन देने का। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोहम्मद इरफान कराची कैंट स्टेशन से, जिन्होंने हमें सारी सिचुएशन से आगाह किया और वो हम उन्होंने जो कुछ हमें बताया हमने आपको अब तक पहुंचा दिया। वहाँ पे रश की सिचुएशन आपने भी देखी और उसके अलावा वहाँ पे जो हालात हैं, इतनी ज़्यादा गैदरिंग है, इतने ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी किस्म का सफाई का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। आपने देखा है कि रोड्स पटरी के दरमियान में साइड पे नालियों के अंदर कितना गंद है, लोग किस तरह बैठे हुए हैं, पटरियों के ऊपर बैठे हैं, इवन के कोई जगह नहीं है शेड्स के अलावा जहाँ पे लोग नहीं हैं। अगर आप बग़ौर मुशाहिदा करें तो सामने ओवरहेड है एक तस्वीर में, तो वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं और ट्रेन्स 18 मिनट तक लेट हैं। मेरे ख्याल में तो इतना वर्किंग होनी चाहिए कि हर 10 मिनट के बाद ट्रेन हो वहाँ पे, जो बाकी शहरों की ट्रेनें बंद की हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हों। और वहाँ के हालात से आपको हम आगाह कर रहे हैं, हमारे चैनल को आप विज़िट करते रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।